हर साल मराठी सिनेमा कोई ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवी के साथ आती है। मराठी मूवी सैराट बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई है। ये पहली ऐसी फिल्म है जिसने 80 करोड़ के ऊपर बिजनेस किया है। इस मूवी की कास्ट को इतना सम्मान मिला है कि इन्होंने दुबई जैसे बड़े शहर में भी अपनी मूवी को प्रमोट किया। आजकल कई टीवी स्टार्स बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि मराठी सिनेमा में भी छा रहे हैं। जैसे बॉलीवुड के सितारे मराठी शोज में अपनी मूवीज को प्रमोट करने आते हैं, वैसे ही अब मराठी फिल्म सैराट के सितारे हिंदी रियलिटी शो में नजर आएंगे। हम बात कर रहे हैं सोनी टीवी के द कपिल शर्मा शो के बारे में, जहां इस मूवी के सितारे पहुंचे। इस शो में कपिल और उसकी पूरी टीम ने रिंकू राजगुरु और आकाश धोसर यानी अर्ची और परशा के तह दिल से स्वागत किया। इस शो की शूटिंग हाल ही में हुई। ये सैराट मूवी के लिए पहली बार था कि वो इस कपिल के शो पर नजर आए। डायरेक्टर नागराज मंजुले ने भी इस कास्ट को शो पर ज्वाइन किया। शो पर म्यूजिक डायरेक्टर्स अजय अतुल ने मूवी का फेमस सॉन्ग जिंग जिंग जिंगाट गाया, जिससे ऑडियंस में बैठे हुए तमाम लोग अपने आप को डांस करने से रोक नहीं पाए। शो में सिमोना चक्रवर्ती तो मराठी मूल की बने हुए दिखाई दी। रिसेंटली हाउसफुल 3 के एक्टर रितेश देशमुख ने शो में इस मूवी की तारीफ की थी, जहां उन्होंने इस मूवी को बॉलीवुड के बड़े ब्लॉकबस्टर्स धूम 3 और 3 इडियट्स से कंपेयर किया था। इतना ही नहीं, रितेश के अलावा बॉलीवुड के जाने माने एक्टर्स ने इस मूवी की वाहवाही की है। पूरी सैराट टीम ने कपिल के शो पर खूब एंजॉय किया। सैराट टीम के आने से पहले कपिल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किया, आज के एपिसोड के लिए सुपर्ब रिस्पॉन्स देने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बाय बाय, अब मुझे सैराट मूवी के कास्ट के साथ शूट करना है। कमेंट्स के जरिए हमें बताइए कि आप टीवी पर ये सैराट एपिसोड को देखने के लिए एक्साइटेड है या नहीं। टेलीविजन की मोर अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।